रोपड़ का महाकुंभ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं जो भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने राजधानी लखनऊ के जैतीखेड़ा गांव में यहां पर वृक्षारोपण किया। आप देख सकते हैं इन्होंने एक जो बरगद का पेड़ है वो लगाया है। यहां देख सकते हैं किस तरह से इस बरगद के पेड़ की सारी विशेषताएं यहां पर लिखी हुई हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि साथ में जो भी और लोग आए हुए थे, चाहे वो स्वाति सिंह हो, चाहे वो वन मंत्री दारा सिंह चौहान हो, उन्होंने भी वृक्षारोपण किया। हमारे सामने देख सकते हैं इधर अनूप चंद पांडे जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी एक पेड़ लगाया है। और उसके बाद इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं जो स्वाति सिंह जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लगाया है एक अशोक का पेड़ लगाया है उन्होंने। उसके अलावा और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर दारा सिंह चौहान जो कि वन मंत्री हैं, इनके द्वारा भी ये पीपल का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। वहीं साथ में आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बताया है, उन्होंने कहा है कि जो भी अब प्रदेश में 100 साल की उम्र से ज्यादा या बहुत ही पुराने पेड़ होंगे उनको संरक्षित किया जाएगा, उनकी सूची बनाई जाएगी, वन विभाग को निर्देशित किया गया। और यही नहीं, इस बार 22 करोड़ पौधों का आज के दिन वृक्षारोपण किया गया। वही अगली बार उन्होंने वन विभाग को 25 करोड़ का टारगेट दिया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वही लखनऊ में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री दारा सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाते हुए आज एक वृक्षारोपण का महापर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें सुबह की राजधानी लखनऊ के जैतीखेड़ा गांव में आज मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से वृक्ष लगाकर इस जो महाकुंभ है इसकी शुभारंभ की। आज पूरे प्रदेश में लगभग 22 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ में वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी हैं, इनसे पूछा, सर एक बड़ा लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री साहब ने इस बार 22 करोड़ और अगले वर्ष 25 करोड़ का लक्ष्य जो हमको मिला है उसको पूरे प्रदेश की जनता उसे पूरा करेगी। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार बनने के बाद चूंकि नए उनके कीर्तिमान बनते जा रहे हैं, अगर उन्होंने 22 करोड़ का लक्ष्य का दिया है तो निश्चित रूप से लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। सर एक सुरक्षा की अगर बात की जाए, पेड़ तो लग जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की बात, माननीय मुख्यमंत्री को जितना चिंता इस प्रदेश में 22 करोड़ पौधा लगाने की है उससे ज्यादा उनकी जो है चिंता है इस पेड़ को बचाने के लिए। सर साथ में एक और लक्ष्य दिया है, जो 100 साल से पुराने पेड़ है पीपल बरगद के, उनको संरक्षित किया जाए, उसको भी हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर इतना भरोसा है, जो उन्होंने लक्ष्य इस विभाग को दिया है ईमानदारी और निष्ठा से वन विभाग के लोगों ने उसको पूरा किया है। 22 करोड़ का लक्ष्य दिया है, शाम तक पूरा हो जाएगा। 25 करोड़ का लक्ष्य दिया है, अगले साल उसको पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये थे वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी, जिनका कहना है कि इस बार जो मुख्यमंत्री ने इनको लक्ष्य दिया है 22 करोड़ का वो शाम तक पूरा होगा और अगले वर्ष 25 करोड़ का लक्ष्य भी वो पूरा करेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और चलिए प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़ी